दोस्तों आज हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के सबसे सफल कॉमेडियन में से एक केशटो मुखर्जी को। जैसे ही फिल्मों में शराबी के किरदार की कल्पना की जाती है, केशटो मुखर्जी की सूरत अपने आप जहन में आ जाती है। हालांकि वह हिंदी फिल्मों में शराबी टाइपकास्ट भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन निजी जीवन में वह एक टैटो टेलर थे। उनकी पहली फिल्म 1952 के नागरिक थी, जो एक बंगाली फिल्म थी। केशटो मुखर्जी ने तेजस कसम में राज कपूर के साथ अभिनय किया। साधु और शैतान में वे किशोर कुमार के साथ भूमिका में थे। इसी तरह की भूमिका उन्होंने पड़ोसन में निभाई थी। महमूद की बॉम्बे टू गोवा में एक दर्जन यात्रियों में उनकी भूमिका शानदार थी। जंजीर, आपकी कसम और शोले में केशटो मुखर्जी ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। साल 1979 में आई फिल्म गोलमाल के एक सीन में पुलिस स्टेशन में उत्पल दत्त के साथ उनकी नोकझोंक का दृश्य यादगार है। हालांकि साल 1925 में केशटो मुखर्जी का निधन हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में वह अपने शानदार प्रदर्शन से सदा जीवित रहेंगे। दोस्तों याद है कि अगले एपिसोड में हम याद करेंगे हास्य कलाकार जगदीप को। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो गड़बड़झाला को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।